Okay, we have one more here. Diagram, as usual, मैंने draw की है. Question को जरा सुन लें. Figure shows two circuits in which a conducting bar is slid at the same speed V through the same uniform magnetic field and along a U-shaped wire. Two parallel lengths of the wire are separated by 2L in circuit 1 and by L in circuit 2. तो ये डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस एल के बराबर है और ये डिस्टेंस जो है वो एल के बराबर है. दो डायग्राम्स हैं, यहां पर ये यू शेप्ड वायर है और यहां पर भी ये यू शेप्ड वायर है. इसके ऊपर भी एक कंडक्टिंग रॉड है, इसके ऊपर भी एक कंडक्टिंग रॉड है. इसे भी आप मूव करें विद स्पीड यू वी, इसे भी आप मूव करें विद स्पीड वी. दोनों सेम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है. तो जो मैग्नेट फील्ड यहां पर है वही मैग्नेट फील्ड यहां पर है. यहां पर भी यूनिफॉर्म है, यहां पर भी वही यूनिफॉर्म है. यहां पर रॉड मूव कर रही है विद स्पीड वी, यहां पर भी रॉड मूव कर रही है विद स्पीड वी. फर्क आप देख सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन में फर्क है और इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ जो है वो 2L के बराबर है, ये लेंथ जो है वो L के बराबर है. तो वो वहां पर फर्क आप देख सकते हैं. Figure shows two circuits in which a conducting bar is slid at the same speed V through the same uniform magnetic field and along a U-shaped wire. The parallel lengths of the wire are separated by 2L in circuit 1 and by L in circuit 2. The current induced in circuit 1 is counterclockwise. Circuit 1 mein करंट जो है सर्किट ए में, रादर आई शुड हैव रिटन वन हियर, सर्किट वन में करंट की डायरेक्शन जो है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो दी गई है. क्या है डायरेक्शन? द करंट इंड्यूस्ड इन सर्किट वन इज काउंटर क्लॉक वाइज. सो इज लाइक दिस, करंट इंड्यूस्ड इज दिस वे, करंट counterclockwise. Part A में हमें बताना है कि is the magnetic field into or out of the page. फिर से वही दो options आपके पास हैं. आपको कहना है कि magnetic field जो है वो into the page है कि out of the page है. इन दो options में से आपको बताना है कि ठीक वाला कौन है. Current induced की direction जो है वो पहले वाले circuit में दी गई है और उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इज द मैग्नेट फील्ड इनटू और आउट ऑफ द पेज. पार्ट बी में इज द करंट इंड्यूस्ड इन सर्किट टू क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. टू में सो पहले तो हमें कहना है कि मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसके बाद हमें कहना है कि इसमें करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर्किट टू में. अब यहां पर ये रॉड जो है जब ये मूव हो रही है ये ऊपर की ओर जा रही है, कुछ देर के बाद ही यहां पर आएगी. पहले जब यहां पर थी तो क्लोज लूप जो है वो सिर्फ इतना बन रहा है ये पार्ट और ये है एरिया उसका. लेकिन अब जब कुछ देर के बाद रॉड यहां पर है तो क्लोज लूप ये बन जाएगा और उसका एरिया जो है वो ये होगा. तो एरिया तो इंक्रीज हुआ है. अब अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ होगा. अभी तक सिर्फ ये वाली फील्ड लाइंस जो है वो लूप के थ्रू जा रही थी. यहां पर जो फील्ड लाइंस थी वो तो नहीं जा रही थी क्योंकि लूप्स जो है वो सिर्फ यहां तक हैं. अब जब रॉड यहां पर है तो लूप इतना बन गया तो ये लाइंस भी उसके थ्रू जा रही हैं. तो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो गया इसके थ्रू. पहले ये लाइन कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, अब ये लाइन भी कंट्रीब्यूट कर रही है. पहले ये लाइन कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, अब ये भी कंट्रीब्यूट कर रही है. पहले ये लाइन कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, अब ये भी कंट्रीब्यूट कर रही है. सेम गोज विद दिस वन. ये लाइन यहां पर जो है ये कुछ लाइन्स वो तो इस टाइम पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, लेकिन जब रॉड उनको क्रॉस कर लेगी तो वो भी फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर लेगी. सो फ्लक्स थ्रू द लूप इज इंक्रीजिंग. ओके,
सर्किट वन की हम बात करें, फ्लक्स जो है एक्सटर्नल फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फैराडेज लॉ, लेंज लॉ रादर, लेंज लॉ से हमें पता है कि एक्सटर्नल फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट विल बी इन द अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, उल्टा अपोजिट सेंस में होगा, एंटी पैरेलल होंगे। तो जो भी इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उसका उल्टा डायरेक्शन जो है, अपोजिट डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड की होगी। यहां पर हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में बताया गया है तो उससे हम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालेंगे। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो भी होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड की होगी। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके जरा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं। आपको बताया गया है कि करंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज इंड्यूस हुई है। करंट अगर काउंटर क्लॉकवाइज इंड्यूस हुई है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज अपवर्ड, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज अपवर्ड या आउटवर्ड तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब इन दोनों सर्किट्स को सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, दैट मींस ऊपर भी इनवर्ड है यहां पर भी इनवर्ड है, तो यहां पर अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल गई इज इनवर्ड। सो पहला पार्ट यही था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। अब जाके सर्किट टू में आपको बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, इज इट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। फिर से नोट कर लें, ये रॉड यहां आ रही है, अभी लूप का साइज ये है, ये लूप का साइज है। अब जब रॉड यहां आगे आएगी तो लूप का साइज जो है वो इंक्रीज होगा, कुछ देर के बाद रॉड यहां पर होगी, कुछ देर के बाद रॉड यहां पर होगी, तो लूप का साइज इंक्रीज हो रहा है, लूप का एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स इसके थ्रू इंक्रीज होगा। और फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा, फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट सेंस में होगी, एक्सटर्नल फील्ड इनवर्ड है, डायपोल मोमेंट आउटवर्ड होगा क्योंकि अपोजिट सेंस में होना है। तो अगर डायपोल मोमेंट आउटवर्ड है तो यहां पर भी करंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, तो करंट इंड्यूस्ड इज काउंटर क्लॉकवाइज, I induce it in circuit 2 is counterclockwise. Simple Faraday's law use करके हम काफी आसानी से इसको देख सकते हैं।